गुड मॉर्निंग क्लास सेवन। आज मैं आपको मैथ में एक्सरसाइज 10 चैप्टर 10 का एक्सरसाइज 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर करूंगी। इसमें आपका क्वेश्चन है कि ड्रॉ अ लाइन सी ए बी, टेक अ पॉइंट सी आउटसाइड इट, थ्रू सी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ए बी यूजिंग रूलर एंड कंपास ओनली। आपको इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप जो लाइन ड्रॉ करोगे पैरेलल लाइन, वो ओनली आप रूलर यूज करोगे और कंपास यूज करोगे। ठीक है, रूलर और कंपास का यूज करके आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, इसमें सबसे पहले गिवन है आपका, गिवन आपको स्टेप वाइज जिस तरीके से आप डायग्राम ड्रॉ करोगे उसी तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप उसको क्या करते जाना है, नोट भी करते जाना है। ठीक है, तो गिवन गिवन क्या है, अ लाइन लाइन ए बी। ठीक है, आपके पास एक लाइन है, लाइन ए बी ए एंड बी, इसी लाइन ए बी के आउटसाइड पे, एंड दूसरा है पॉइंट सी जो कि आउटसाइड है लाइन ए बी के। पॉइंट सी इज आउटसाइड अ लाइन ए बी, हमने क्या लिया पॉइंट सी लिया जो कि आउटसाइड है इसके ए बी लाइन के। तो आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट क्या करना है, आपको कंस्ट्रक्शन करना है कि ए बी के पैरेलल आपको एक लाइन क्या करनी है, ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, जो गिवन है ए बी इज अ लाइन इज गिवन एंड पॉइंट सी आउटसाइड पे आपको पॉइंट सी गिवन है। इसी तरीके से पहले स्टेप में हम क्या करते हैं कि ए बी पे हमने क्या पॉइंट डी लिया, पॉइंट डी बी टेका पॉइंट डी ऑन अ लाइन ए बी। अब इसी अब दोनों लाइन पॉइंट सी और पॉइंट डी को हम दोनों को क्या करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। हमने क्या कर लिया पॉइंट सी और पॉइंट डी को, यूज ओनली स्केल का यूज करके हमने दोनों का। इस समय तो मैं क्या ब्लैक बोर्ड में आपको फ्री हैंड कर रही हूँ, बट जब आप अपनी कॉपी में कंस्ट्रक्ट करोगे तो आपको रूलर और कंपास का यूज करना है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इसी लाइन इसमें आपको डी को सेंटर लेके एक आर्क लगाना है। आप पेंसिल कंपास का यूज करोगे, कंपास में पेंसिल फ्री करोगे और आपने क्या करा इस तरीके से आपने ये क्या कहलाता है, आर्क कहलाता है। ठीक है, आपने आर्क लगाया, हमने इसको जिस पॉइंट पे जो ए बी पॉइंट पे आपने इसको आप नाम दे दोगे ई एंड एफ, आपने क्या नाम दिया ई एंड एफ नाम दिया। ठीक है, अब क्या कहेंगे कि जो ये पॉइंट है सी, सी को सेंटर लेके को क्या करें कंपास के थ्रू, कंपास से सेंटर लेके आप इस पे भी एक आर्क लगाएं इस तरीके से। इसको सेंटर लिया आपने कंपास में और इस तरीके से क्या करा इसको एक आर्क किया। ठीक है, फिर जो डिस्टेंस आपकी ये वाली है सी ई एफ की जो डिस्टेंस है इसको आप क्या करोगे कंपास में इस तरीके से, कंपास के थ्रू आप क्या करोगे इसको ई एफ, इसको हमने नाम पॉइंट दे दिया जी, पॉइंट दे दिया हमने जी, इसको यहाँ एच, और अब यहाँ क्या करेंगे इसी जो डिस्टेंस है यहाँ से इसको पॉइंट लेके इतना आर्क आपने इसमें ड्रॉ करा। ठीक है, इस तरीके से आपने क्या करा इसमें आर्क ड्रॉ करा, इसे हम नाम दे रहे एच आई, ये क्या नाम दिया हमने इसको आई इस वाले, और इस पूरे एच आई और आई आप इसको दीजिए इसको हमने दिया जे। ठीक है, इस तरीके से इसे कर वो कर दे। अब जो ये है इस जहां पर ये पॉइंट आपका कि जी से जो आर्क जहां पे टच करता है इसी को इस आप क्या करोगे स्केल से इस तरीके से इसको टच करते हुए एक लाइन ड्रॉ करोगे। ये जो लाइन है अब आप क्या देखोगे इसमें कि जो इनमें एंगल बनते हैं आपके जो एंगल होंगे इसमें एंगल आपका इसमें ये एंगल है कि सी डी ई, एक एंगल आपका ये है सी डी ई।
एंगल सी डी ई एंड इसी तरीके से देखिए इसमें डी सी जे एंगल डी सी जे जब हम इनकी वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये कैसे एंगल बनते हैं अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल और इसे हम नाम देते हैं इस लाइन को अगर हमने इसको ए भी नाम दिया है इसको हमने एम नाम दिया एम और इसे एल नाम दिया इस तरीके से जो एम लाइन है इस तरीके ये दोनों क्या है अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल और जो इनकी वैल्यू है इक्वल है एंगल सी डी ई इक्वल टू एंगल डी सी जे सो दैट हम कह सकते हैं कि आपकी जो लाइन जब ये दोनों अल्टरनेटिव किस तरीके की है इंटीरियर एंगल है इंटीरियर एंगल होने के कारण लाइन आपकी ये क्या है लाइन एल इज पैरेलल टू एम लाइन एल इज पैरेलल टू एम या आप कह दीजिए इसको इसको एक्स और वाई एक्स एंड वाई भी कह सकते हैं ठीक है कि लाइन ए बी AB is parallel to line XY, ठीक है इस तरीके से हम प्रूव कर चुके हैं या दर्शा कर चुके हैं कि आपकी जो लाइन है AB उसके आउटसाइड पे हमने पॉइंट C लिया C के थ्रू हमने क्या करा रूलर और कंपास का यूज करने पर लाइन जो पॉइंट C है थ्रू उसके हमने क्या है पैरेलल लाइन